गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में हम पढ़ रहे हैं मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। तो अब तक आपने क्या देखा कि इट इज़ नॉट ए एक्चुअल रीअरेंजमेंट, इट इज़ इनफैक्ट ए कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। यह एक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, गिवन बाय फ्रेड मैक्लाफर्टी। और एसेंशियल कंडीशन पता होनी चाहिए पहले आपको इसकी बहुत अच्छी तरह, कि गामा हाइड्रोजन होना चाहिए और ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जहाँ पर कि रेडिकल कैटायन बन सके। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट, मैंने डायरेक्ट मैकेनिज्म बताया आपको कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से हमेशा ये फॉर्मेशन होगा। ये मैकेनिज्म बताने के बाद आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो स्टेप एक बार वापस सुनिए और उसी से हम अब कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो करने वाले हैं। देखो वो स्टेप क्या था हमारे पास, कि आप गामा हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देंगे रेडिकल कैटायन पे, जहाँ पर रेडिकल कैटायन बना है वहाँ गामा हाइड्रोजन जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, और गामा और जो बीटा कार्बन है, गामा और बीटा कार्बन है, उसके बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था इसको बीटा क्लीवेज भी कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा कार्बन क्या हो जाएगा, दैट विल ब्रेक। ओके, दैट इज़ द थिंग फॉर दिस। ये इसमें करना होता है और इसीलिए बीटा क्लीवेज के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा क्लीवेज ही बोलते हैं। और इसको एक और नाम मैंने बताया था, 1,5 ट्रांसफ़र रिएक्शन ही बोल सकते हैं इसको, 1,5 ट्रांसफ़र, क्योंकि गामा पोजिशन से जो हमारा रेडिकल कैटायन है वो पोजिशन आप काउंट करते हैं तो कौन सी होती है, 1,5 ट्रांसफ़र रिएक्शन इट इज़ आल्सो कॉल्ड। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि नेट और गेट में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जहाँ तक सवाल है, एक बार अगर आपको पैटर्न बताना आ गया तो पूछा जाएगा किस मैक्लाफर्टी के कारण पीक कहाँ पे आएगी, दैट इट कैन बी द क्वेश्चन फॉर्म्ड इन दिस। तो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आप बताइएगा उसका आंसर क्या हो सकता है। देखो बिल्कुल जो मैंने मेथड बताया है उससे हम करेंगे और बहुत ही ईजीली हो जाएगा, उससे बहुत ईजीली जो है हम इसको कर पाएंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। ओके, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। सी दिस इज द गिवन टू अस, और इस पे हमें मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट करना है, पॉसिबल है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर अल्फा पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, गामा। गामा पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन है। तो अपना तरीका क्या था इसका, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा आपको, मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। तो मैकेनिज्म बताने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या था, आप ध्यान से सुनाओ, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए, हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट। क्या बताया तुमने, कि गामा हाइड्रोजन जो है, गामा हाइड्रोजन को जो कार्बो रेडिकल कैटायन बनेगा वहाँ पर ट्रांसफ़र करना, तो इस केस में गामा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दिस अल्फ़ा और इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन अल्फ़ा बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके बीच में भी क्या आ जाएगा, बीटा और गामा के बीच में कौन सा बॉन्ड आया था हमारे पास, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड आने से क्या बन गया, यहाँ पर इथाइलिन बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो आंसर टू दिस विल बी, बस ये आपको लिखना आना चाहिए बिल्कुल, ऐसा कैसा रहा, दिस बॉन्ड रिमेन एज सच, यहाँ पे हमारे पास दो एच आ जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और डबल बॉन्ड CH2 के बाद रेडिकल लिखना बताया था मैंने, रेडिकल कैटायन कैसे लिखते हैं, इसको पार्शल ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, एंड देन बाय प्रोडक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट होगा इसमें, दैट विल बी इथीन इन दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस चीज़ को मैंने बताया था साथ में कि बुकिश पैटर्न ये है, लेकिन मैकेनिज्म लिख के जब हम इसको करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप करके देखिए, यही आंसर आपका आएगा जो मैकेनिज्म मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग, दिस और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, ये कैटायन आ गया। बस ये कंफ्यूज कर देता है कभी कभी बच्चों को, कि जब हम ये मैकेनिज्म लिख के करते हैं ऐसा आता है, वो किस पैटर्न, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को आप करके देखिए और मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आपको आंसर,
ऐसा ही एक एग्जांपल लिया, यहाँ लिखा ऐसे CH2 CH2 अल्फा बीटा गामा, एक और लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी चेंज हो सकती है, गामा होना चाहिए इसके अंदर। अब जब इसका मैक लिफर्टी रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? नाउ यू नो व्हाट इज द पैटर्न। अब आपको पता है कि इस पर क्या पैटर्न लिखना है हमारे को, व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर दिस, क्या लिख सकते हैं हमारे को इसको। देखिए ये, देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। वापस देखिए अल्फा बीटा गामा में क्या चेंज होगा, गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एट दिस पोजिशन, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड दिस, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और ये जो कंपाउंड है अल्फा बीटा बॉन्ड विल क्लीव, अल्फा बीटा जो हो जाएगा क्लीव हो जाएगा, अल्फा बीटा क्लीव होने के बाद इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज दिस। यहाँ से एक अच गया ही अपने पास, पता है अपने को, तो आंसर टू दिस विल भी कितना सिंपल हो गया। बस छोटा सा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम्पल, कैसी भी एग्जाम्पल जो है आप कर सकते हो, दिस दिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो एच हो जाएंगे, एंड दिस इज द फॉर्म्ड रेडिकल कैटायन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इस कारण से हमें पीक मिलेगी, मास स्पेक्ट्रम में काउंट कर सकते हैं हम। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस, कि क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आ रहा है आपको, मतलब मैक्लिफर्टी से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। और एग्जांपल बताऊं मैं आपको इसका, देखो और एग्जांपल बताते हैं, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू, एक और एग्जांपल बताता हूं इसके अंदर, देखना एरोमेटिक भी लेते हैं। और ये अब देखिए, ये एग्जांपल लीजिए, इसके अंदर यहाँ क्या होगा, CH2 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 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और इसका हमें करना है मैक्लिफर्टी अरेंजमेंट। अब देखो आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भी यहाँ ऐसा नहीं है कि इसको अल्फा बीटा गामा करके यहाँ कर दो, नहीं, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट, इजेक्टेड आउट, तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अब ये नहीं है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, रेडिकल कैटायन विल बी फॉर्मड एट दिस पोजिशन। रेडिकल कैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, रेडिकल कैटायन यहाँ बनेगा, आप देख लो पोजिशन, अगेन बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट करो आप, ये अल्फा पोजिशन हो गया, ये बीटा, ये गामा, गामा का एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा रेडिकल कैटायन, यहाँ आ जाएगा रेडिकल कैटायन, अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ विल बी डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या बन जाएगा इस एग्जाम्पल का, आंसर इस एग्जाम्पल का बन जाएगा आपके पास दिस, ये तो पूरा का पूरा रिंग ऐसा ही रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, गामा हाइड्रोजन क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल कैटायन, हेयर वी विल गेट द रेडिकल कैटायन, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो H2C डबल बॉन्ड CH3OH, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक ही बन गया रेडिकल कैटायन, इस कारण से हमारे को पीक मिलेगी। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, डन। एक और स्पेशल केस देखिए आप, इसका डबल मार्क करके नोट करना, इस बात को आप नोट करिएगा बिल्कुल, कि व्हाट हैपन समटाइम इज डबल मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, डबल मीन्स टू टाइम्स मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल मैं बताता हूं इसका, S3C This is the example for this. What is this? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is this? 4-heptanone. This compound is 4-heptanone. Now see, most loosely bound electron is this. This is the most loosely bound electron. Done. Most loosely bound electron में पहले हमारे पास क्या आया? मैक्लिफर्टी अरेंजमेंट हुआ, और मैक्लिफर्टी अरेंजमेंट में क्या बन गया हमारे पास, कि अल्फा बीटा और गामा, गामा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हुए, गामा हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पर ट्रांसफर, ये अल्फा, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्फा बीटा के बीच में यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ बन गया, सिंपल था। तो यहाँ हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देख के लिखिए, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गया, देखो अलग लिख रहा हूँ थोड़ा सा, H2C डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा रेडिकल कैटायन, दिस इज द रेडिकल कैटायन फॉर्म,
और ये ऐसा चला जाएगा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब देखो डबल की बात क्या थी कि ये जो चीज़ बन गई इस कंपाउंड में, ये कौन सा बन गया, इनॉल फॉर्म बन गया। कौन सा बन गया, इनॉल फॉर्म। नाउ यू नो टॉटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, तो दिस कैन अंडरगो कीटोलाइजेशन। व्हाट कैन हैपन इज कीटोलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस, कीटोन। तो कीटोलाइजेशन टेक्स प्लेस में क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल माइग्रेट एट दिस पोजिशन, दिस विल माइग्रेट एट दिस पोजिशन, और यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, H विल बी एट दिस पोजिशन। तो उस केस में पोजिशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एस थ्री सी सी डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर इसके ऊपर, सी एच टू सी एच टू एंड देन सी एच थ्री, डन। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट्स टू दिस पोजिशन। नाउ व्हाट हैपन्स इज, अब वापस अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज अगेन, नाउ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, और ये क्या हो गया गामा, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, गामा हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा अल्फा के, अल्फा के बीच में अल्फा और बीटा का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये तो क्या बन गया अगेन इथीन, अगेन दिस इज इथीन। तो दिस इज मैकलेफेटी रिएजमेंट नंबर टू इन द सेम कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट फाउंड विल बी लाइक दिस। देखिए आप ध्यान से, एस थ्री सी सी डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, ये रेडिकल का टैन था, इस पे क्या आ गया हमारे पास एच आ गया, नॉर्मल बिल्कुल वैसा का वैसा, और प्लस क्या बन गया इसके अंदर इथीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो दिस इज ऑल्सो ए केस बिकॉज दिस इनॉल फॉर्म इज अंडरगोन कीटोलाइजेशन हेयर एंड दैट इज दिस डबल मैकलेफर्टी रेजिमेंट। चलो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ एक आपको, एग्जाम्पल इसलिए है कि ये एग्जाम्पल रिसेंटली आपको एग्जाम में आया था, गेट एग्जाम का था एग्जाम्पल, एंड वॉट वॉज दैट एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो आपको ध्यान से आप नोट करिएगा वॉट इज दैट एग्जाम्पल, नीट नेट का एग्जाम का एग्जाम्पल है, दिसंबर 17 का एग्जाम्पल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विल गिव बेस पीक एट एम अपॉन जेड इज इक्वल टू 72। अब इसमें क्या कर दिया, ऑप्शन दे देते हैं हमारे को, डिफरेंट ऑप्शन दे दिए, इससे ए ऑप्शन इज गिवन लाइक दिस, बी ऑप्शन इज गिवन लाइक दिस, C option is given like this, so this type of questions are asked to you, then this is the option given to you। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप देख लो गामा हाइड्रोजन जिसको नहीं है उस ऑप्शन को तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर गामा हाइड्रोजन नहीं है उसको निगलेक्ट कर दिया। जैसे इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर अल्फा बीटा, ये पोजिशन अल्फा है, ये पोजिशन बीटा होगी, ये भी पोजिशन बीटा है, ये भी पोजिशन बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, दिस इज ऑल टुगेदर निगलेक्टेड, इसको तो निगलेक्ट, लेकिन ये अल्फा ये बीटा इसके अंदर भी क्या है, ये गामा गामा एंड गामा पोजिशन है। इन दिस केस ऑल्सो व्हाट इज दिस, ये अल्फा हो गया, चलो ये अल्फा बीटा ये गामा है और ये भी क्या है गामा है, इस केस में ये अल्फा बीटा और ये गामा, इस टाइप से पोजिशन है। तो अल्फा वाला जो जिसमें गामा नहीं है उसको रिजेक्ट कर लो, बाकी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मली इसके अंदर तीन दे दिए, तीनों को हमें करके देखना चाहिए। वैसे चलो शुरू करते हैं पहले से, पहले वाला तरीका था, पहले वाले मेथड का जो मेथड अडॉप्ट करो, जो मैंने मेथड बताया शॉर्टकट, पूरा मैकेनिज्म लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, ये गामा पोजिशन, यहाँ पर रेडिकल कैटायन बनेगा, रेडिकल कैटायन विल बी फॉर्मड एट दिस, रेडिकल कैटायन कहाँ बन जाएगा, दिस अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड ट्रांसफर ब्रेक हो जाएगा और गामा हाइड्रोजन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो गामा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हुआ, देखो क्या बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ गया अल्फा के बीच में टूट गया, ये ओ और ओ पे क्या बन गया, रेडिकल कैटायन प्लस,
प्लस देखिए ये रह गया SH और यहाँ आ जाएगा इस गामा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो दिस एंड दिस ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ये आप सब में करके देख सकते हैं, ठीक है। मुझे इसका आंसर पता है क्योंकि, तो इसलिए मैंने इसमें करके देख लिया और इसमें आपको बताते हैं। देखो अब इसके बाद क्या है, इसका आप काउंट कर लीजिए। ये काउंट करो 1 2 3 4, 48 कार्बन हो गया जी, 48 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 3 6 7 7 1 8, 8 हाइड्रोजन प्लस 16 14 22 2 72। तो M अपॉन जेड जो है 72 जो है इसके लिए आएगा। अब इसी क्वेश्चन में होमवर्क बनाया था मैं आपके लिए। नाउ ये तो एक क्वेश्चन हो गया, कैसा आया आपका आंसर, ये हो गया आंसर पता चल गया आपको, ठीक है। लेकिन अब आप क्वेश्चन में इसमें क्या दे रहा हूँ आपको कि व्हाट विल बी एम अपॉन जेड फॉर दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी एम अपॉन जेड फॉर दिस एज पर मैकलिफर्टी रेजिमेंट पीक के कारण। इन दोनों में करके देख लिए, इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके ये था हमारा मैकलिफर्टी रेजिमेंट। आप अच्छी तरह दोनों पार्ट मैकलिफर्टी रेजिमेंट देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं हो सकता। बार बार देखें, डन, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।